यूके स्टडी वीज़ा की गल करन जा रहे हैं। सो स्टूडेंट्स जो है लगातार सवाल बने ही रहे ने साडे कोल के अगो असीं 2024 वल जा देख रहे हैं तो की सही ढंग मनी है और किस तरह के चेंजेस जो है थोड़े समय के विच देखण नूं मिल रहे हैं यूके स्टडी वीज़ा नूं लैके। सो चीज़ां तुहानूं एक बार फिर तो जो है गाइड करन की कोशिश करांगे ताकि यूके नूं भी जो है स्टूडेंट हुणे ना समझण कि असीं रिफ्यूज्ड प्रोफाइल थर्ड ऑप्शन के तौर पर असीं सिर्फ यूके नूं देखिए। यूके अपने आप दे विच पढ़ाई दे तौर पर बहुत वधिया कंट्री है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन के लिए जाना जाता है यूके, तो कि सही ऑप्शन के नाल तुसीं यूके दे विच अपने फ्यूचर नूं ब्राइट कर सकते हो और जिहड़ियां हुण रीसेंट चेंजेस है उसके नाल कैड़िया गलों का तुम होर ध्यान रखना है, ये पूरी जानकारी थोड़े तो जरूर साझी करांगे। स्वागत है जी सारे का, मैं हाँ हरजोत कौर और यूके स्टडी वीज़ा को लैके खास गल खास जानकारी थोड़े तो साझिया कर जा रहे हैं नैविगेटर्स ओवरसीज तो वीज़ा एक्सपर्ट मिसिज वीना गोयल मैम साढ़े नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है मैम, सत श्रीकाल। सत श्रीकाल, नमस्कार सारियां। सो मैम यूके नूं देखदे आ नाल ही 2024 आ जांदा है तां जिहड़े हुण रीसेंटली आपां चेंजेस भी देखदे आ कि कुछ कर दिते गए ने जिहड़े यूके वल्लों, सो उन्हां चेंजेस नूं वेखदे होया किस तरह दे होर स्टूडेंट्स नूं ध्यान रखना पएगा, क्योंकि रीसेंटली आपां इह वी देख रहे हां प्रोफाइल वेरीफिकेशन फंडस वेरीफिकेशन भी वधाया गया यूके दे वल्लों। सो हुण जदों आपां कमिंग इनटेक दी गल करदे आ जैन इनटेक दी गल करदे आ तां किहड़ी गल्लां दा ध्यान रखदे होए फोकस करदे होए स्टूडेंट अगे वधे तां कि जिहड़ा स्मूथली उन्हों का प्रोसैस होवे तो कोई हर्डल ना आवे। हरजोत, एक गल बड़ी अच्छी पूछी है तुसी, यूके ने कुछ चेंजेस किए और यूके ने पिछले 4-5 साल तो बहुत वीज़ा दिता है जी। ठीक है, जो वर्ल्ड बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ कही है वो यूके दे विच है, एजुकेशन क्वालिटी चाहिए वो यूके दे विच है, 2 ईयर्स पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है यूके दे। जो प्लस पॉइंट्स अपन गल करिए, 28 डेज ओनली फंड शो करने, कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं शो करनी, कोई कुछ नहीं करनी, 28 दिन पुराने फंड। तो जिहड़ी लंबी चौड़ी फाइनैंशियल दी प्रॉब्लम्स आंदी हैं जिहड़ी कि आस्ट्रेलिया और या न्यूजीलैंड आपां कहीए 6 महीने पुराने शो करने, आस्ट्रेलिया 3 महीने पुराने शो करने, यूके दे विच ए प्रॉब्लम्स नहीं है। जिहड़ा बच्चा वाकई च इंटरनेशनल एक्सपोजर लेना चाहता है, कंट्री बहुत अच्छी है सौखे तरीके नाल, मास्टर्स जस्ट 1 ईयर दी है, 2 ईयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है। जब अपन 1 साल की मास्टर्स मिल जाती है, 8 महीने ही पढ़ाई करनी है, 4-4 महीने के 2 सेमेस्टर है, 2 साल तुम अपना जोड़ा 10 to 11 लाख तो लैके मतलब 10 लाख तो लैके तो 25 लाख 30 लाख तक की यूनिवर्सिटियाँ, ये थोड़ी पॉकेट पर डिपेंड करता कि तुम कि खर्च कर सकते हो। कुछ यूनिवर्सिटियाँ जी इलीट यूनिवर्सिटी होंगे, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटियाँ जिन्हें की फीस भी ज़्यादा, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन बहुत ही हाई लैवल का है, वो बच्चा एक पढ़िया लिखा बच्चा जिन्हें पेरेंट्स की इनकम अच्छी है जेडे अफोर्ड कर सकते उन्होंने असं गाइड करते हैं। एक नॉर्मल बच्चा जिहड़ा कि एक ओवरसीज एक्सपीरियंस लेना चाहता है, जिहड़ा बहुत सारे कंट्रीज के बच्चे आए हैं उन्होंने नाल एक एक्सपोजर लेना चाहता है। एक्सपोजर किदा हो गया कि बहुत सारी कंट्री के बच्चे उसकी क्लास बैठे हुए हैं, ये भी बैठे डिफरेंट डिफरेंट कम्यूनिटीज़ के बच्चे है उन्होंने नाल इंट्रैक्शन होंगे और एक एवरेज फीस जाता है 10 लाख to 14-15 लाख बहुत सारी यूनिवर्सिटियाँ वो लै सकता है। तो इस करके इन्हों बच्चों वास्ते यूके एक बहुत अच्छी ऑप्शन बन जाती है। खाली हूँ जो एक ड्रॉबैक आया जो स्पाउस के नाल 1 जनवरी तो वह बंद हो रहा, हजे भी 2-3 यूनिवर्सिटियाँ जिन्होंने दिसंबर इनटेक दिता होया, तो दैट मीनस दिस हजे तुम स्पाउस के नाल अप्लाई कर सकते हो, लेकिन 1 जनवरी के आनवर्ड जी फाइल लगेगी वो असी स्पाउस के नाल फाइल नहीं लगा सकते जी, जी। लेकिन उन्होंने कोई ये नहीं कि एंड हो गया, रीज़न बीइंग जेडे स्पाउस वीज़ा पर जाना चाहते सी बच्चा ना लैके जाना चाहते सी, मैं जिदा कह 4-4 महीने के 2 सेमेस्टर होंगे है, ये 8 महीने जो स्टूडेंट गया मेन एप्लीकेंट वो अपनी पढ़ाई करके 2 ईयर्स का जब पोस्ट स्टडी वर्क परमिट आता है उस टाइम अपनी फैमिली नू स्पॉन्सर कर सकता है जी। तो मेरे ख्याल ये ऑप्शन बहुत अच्छी हो जाती है कि जस्ट 1 ईयर पढ़ के 2 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट है, तुसी अपना एक्सपीरियंस लो ओवरसीज़ का एंड बहुत बच्चों की बहुत अच्छी अच्छी सैटलमेंट्स भी होंगे, इट डिपेंड्स तुसी चाहते की हो। जो कोर्सिज की गल करिए, एक तो एक अच्छा कोर्स तुहानू मिल सकता है, 1 ऑफ द बेस्ट कोर्सिज यू कैन फाइंड, जिहड़े भी कोर्सिज की हमेशा आप गल करते हैं जिहड़े मार्केट दे विच है, कई बच्चों के इन्ने अच्छे कोर्सिज होंगे है जिहड़े आप गल करते हैं आम कोर्सिज, एक तो आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस साइबर सिक्योरिटी डेटा एनालिसिस आई टी तो रिलेटिड,
ठीक है, कॉमर्स तो रिलेटेड जड़े हो गए, सप्लाई चेन मैनेजमेंट या कॉमर्स MBA हो गया, मतलब इदा के कोई भी कोर्स हूँ हेल्थ तो रिलेटेड हो गए। नर्सिंग के हर जगह 7 बैंड चाहिए है, UK जरा 7 बैंड ओवरऑल नॉट लैस दैन 6.5 भी लै लगा और भी मास्टर्स वास्ते। तो ये सारी चीज़ा मिलकर UK नो एक अच्छा ऑप्शन बना दी। बिल्कुल बिल्कुल सही तुसी गल है। और एक इहदा UK दा जिहड़ा चंगा सक्सैस रेट वह तो स्टूडेंट्स लई हमेशा खिंचदा कहिंदा रहिंदा ही है। पर नाल दी नाल इत्थे मैं एक सवाल लास्ट विच जरूर करना चाहूँगी मैम, इनर लंडन आउटर लंडन, स्टूडेंट दा सवाल अक्सर रहिंदा है कि असीं किधर जाइए जिधर वधिया सानूं ऑप्शनस मिल सकन, चाहे आपां काम दी गल कर लईए, पढ़ाई तो चलो उन्हां नूं चंगी ऑप्शन मिले ही मिले, पर काम नूं लै देखदे होया भी स्टूडेंट जानना चाहुंदा सी कित्थे अप्लाई करिए। देखो हरजोत, मैं की कहा, काम दे वास्ते बच्चे की इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए है, वह एक परसनैलिटी डिवेलपमेंट की भी जान तो पहले क्लास लैनी चाहिए है उन्होंने, और कंप्यूटर, तीन चीज़ अच्छी है तो किधर भी जॉब की कोई कमी नहीं है। इंडिया के पॉपुलेशन भरी हुई है, मतलब पूरा वधिया तरीके नाल है, पर अज भी असी भी जब ऑफिस वास्ते बंदे लभदे हैं ना, सानू भी जो बंदे चाहिए वो मिलते नहीं है, पॉलिश्ड बंदे नहीं मिलते हैं। यही बच्चा जान तो पहले जब तक महीने दो महीने वो तैयारी चल रही है और ये सारी चीज़ा वो करके जाता है तो कभी जॉब च कोई कमी नहीं होंगी। वो चाहे थोड़ा आउटर लंडन होए, थोड़ा इनर लंडन होए, इनर लंडन च तुहानू कॉम्पीटिशन बहुत मिलेगा, पर आउटर लंडन च कॉम्पीटिशन नहीं मिलेगा। रेस्ट इज़ अप टू यू वट यू वॉन्ट। मैक्सिमम बच्चों की जी रिक्वायरमेंट आती है लंडन दे दो या सानू बर्मिंगम दे दो जी, जी। जो उन्हों का कोई रहा उन्होंने हेल्प कर रहा ठीक है, अदरवाइज तो जिते अच्छा कोर्स मिल रहा। लास्ट जब मास्टर वाला बच्चा खाली 8 महीने पढ़ना, 8 महीने पढ़ के अच्छा कोर्स करके तो जी रेस्ट ऑफ लाइफ है उसके वास्ते जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिल रही हैं। हजे तुसी जो 1-2 लाख रुपया नहीं भी जमा करोगे डजंट मैटर, लेकिन तुसी बाद दा सोचो। बिल्कुल बिल्कुल सही गल है। सो ये पॉइंट वाकई स्टूडेंट नू ज़हन विच जरूर रखना चाहिए है, जो तुसी अपने लिए एक चंगी ऑप्शन लभ रहे होंगे हो कि असी किहड़े पासे नू जाइए। सो इन्हां गल्लां दा ध्यान रखते हुए तुसी अगे वधो, कोई डाउट है तुहाडा जरूर जिहड़ा नंबर डिस्प्ले इस उपर तुसी कॉल कर सकते हो। मैम लास्ट विच एक छोटा जिही गल करना चाहूँगी, जैन इनटेक लई अवेलेबिलिटी हले है, स्टूडेंट्स अपलाई कर सकते हैं? बिल्कुल जी, जैन वास्ते अवेलेबिलिटी है और बच्चे अपलाई कर सकते, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ है जिन्हों की हजे अवेलेबिलिटी है, लेकिन लेट कर देंगे तो शायद अवेलेबिलिटी ना हो जी। सो टाइमली तुसी अप्लाई करो, जरूर इस नंबर पर कॉल करके पूरा प्रोसीजर समझो तो अगे वधो। अगर तुसी नेविगेटर ओवरसीज ऑफिस विजिट कर दो, अपने डॉक्यूमेंट जरूर लेके आयो ताकि असैसमेंट करके सही चीज़ें तुहानू जो है गाइड कीतियां जा सकन। बहुत बहुत थैंक्स मैम, तुसी स्टूडेंट्स दे डिसीजन लैन दे लई उन्हां नू सही जानकारी हमेशा देंदे हो, उन्हां नू गाइड कर दो ताकि स्टूडेंट सही दिशा वल अगे वध सकन। ते अपने सवाल तुसी साडे नाल कमेंट सैक्शन के जरिए भी सांझे जरूर कर सकते हो। अगों भी असीं तुहाडे लई होर इनफॉर्मेटिव वीडियोज़ लैके आते रहांगे। अज लई सानू दिओ जी इजाजत, थैंक यू सो मच। थैंक यू।